वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो भाई आज बहुत ज़्यादा जो है गर्मी है, चेक करें आप मौसम, मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है और बादल बिल्कुल भी नहीं है। और अभी हम आपको दिखाते हैं, ये देखें हमारी रोड बन रहा है। तो ये रोड़ी आई हुई है, ये वाली जो है ना, ये रोड़ी आई हुई है और अभी हमारा रोड बनेगा, शाम तक रोड बनेगा। अभी हम जाते हैं अपने मास्टर गेज में और कुछ सामान लेके आते हैं हम लोग। ये बजीस वगैरह के लिए दाना वाने लेके आए थे हम लोग। तो अभी हम चलते हैं मास्टर गेज में और डालते हैं इनको दाना। तो भाई मैं आ गया हूँ अपने मास्टर गेज के अंदर और गंदगी देखें कितनी की हुई है। देखें पोटियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा की हुई हैं आज लोगों ने, मुर्गे मुर्गी ने बहुत ज़्यादा, गेज भी बहुत गंदा हो रहा है। और ये देखें आप मुर्गा मुर्गी चेक करें, अभी इनको लग रही है भूख। तो सबसे पहले हम लोग डालेंगे इनको दाना। तो भाई मुर्गियों के लिए जो है वो मैं बारीक फीड लेके आया हूँ, ये वाली बारीक फीड होती है, मुर्गियाँ बहुत शौक से खाती हैं। चेक करें ये देखें, चलो ये लो खाओ। तो भाई देखिए मुर्गियों को जो है वो मैंने बारीक फीड डाल दी है। बारीक फीड जो है ये बहुत ज़्यादा शौक से खाती हैं और मेरे इस चैनल पे जो है वो टोटल बर्ड्स की वीडियो जो है वो अपलोड करूँगा मैं अपने मास्टर गेज के सारे बर्ड्स आपके साथ शेयर करूँगा कि मेरे मास्टर गेज में क्या क्या है। सबसे पहले मैंने आपको दिखाया मेरे पास 3 मुर्गी और 1 मुर्गा है, ठीक है। ये मेरा मास्टर गेज है, ये मैंने खुद बनवाया है और ये ऊपर टीनें डलवाई हैं इसकी। ये मेरे बजीज हैं सारे, ये मैंने मटकियाँ वगैरह लगाई हुई हैं, वो मैंने जुगाड़ में 2 पिंजरे बनाए हुए हैं, उसके अंदर हमारे फिंचेस हैं और इसके अंदर हमारे बर्ड्स हैं। तो मैंने जो है अभी इनको दाना डाल दिया है, अब थोड़ा सा और दाना डालते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भूखे हैं। आओ चेक करें भाई, मैं ही चूज़े लेके आया था भाई, छोटे छोटे चूज़े थे, 6 चूज़े लेके आया था देसी, ठीक है। अब जिसमें से 2 मर चुके हैं, 2 मुर्गे मर चुके हैं, 3 मुर्गे और 3 मुर्गियां लेके आया था मैं, 1 मुर्गा बचा है। अब ये 3 मुर्गियां इसके साथ हैं। उसके अलावा मेरे पास है ये वाले बर्ड्स, ये चेक करें, ये अभी हंडिया के अंदर चले गए। इन्होंने पता नहीं अंडे दिए नहीं दिए, ये काफ़ी दिनों से जो है वो मटकी के अंदर घूम रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इन्होंने अंडे दिए हैं। और माशाल्लाह एक मेरे पास है ब्लैक मास का जोड़ा है, ठीक है। इन्होंने भी एक बच्चा जो है वो निकाला, ये बच्चा चेक करें आप, ये बच्चा शायद आपको नज़र आ रहा हो, ये सर तो नज़र आ रहा है इसका। तो भाई अभी हम लोग डालते हैं इनको पानी। तो भाई मैंने इनको डाल दिया पानी, अभी देखें बजीज वगैरह भी पानी पीने आ रहे हैं। ये अगर मुर्गी मुर्गे साइड पे हो जाएंगे तो हमारे बजीज जो हैं वो पानी पीने आ जाएंगे, हम वो वाली कुंडेली के अंदर भी पानी डाल देते हैं। मुझे इस मुर्गे से बहुत डर लगता है गाइस, ये जो है ना काटने लगा है अब, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हटके जो है इससे डालें। ये हमने अपने बजीज के लिए पानी डाल दिया है और यहाँ पे जो है मुर्गा मुर्गी पानी पी रहे हैं। और ये सारी कंडोली मेरे ख्याल से इसके अंदर अंडे हैं, ये चेक करें, ये 2 अंडे दिए हुए हैं मादी ने। अब ये नहीं पता कौन सी मादी ने अंडे दिए हुए हैं क्योंकि हमारे पास 8 से 10 पेयर हैं, ये भी खाली पड़ी हुई है। और आगे भी दिखाते हैं आपको। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि लव बर्ड हैं ये, चेक करें ये बच्चा जो है, ये इन्होंने बहुत ज़बरदस्त क्यूट जो है वो बच्चा निकाला है। ये बच्चा जो गाइस बाहर नहीं आ रहा, मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये चेक करें भाई, ये दोनों ब्लैक मास्क हैं, ठीक है। इनके अंडे भी थे, 5 अंडे दिए थे इन्होंने, जिसमें से जो है वो 1 बच्चा निकाला है। और बच्चा जो है ये आप देख सकते हैं, ये बच्चा बैठा हुआ है बराबर में, और ये दोनों हमारे ब्लैक मास्क हैं। इनका गेज भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका है, अब हम करते हैं इनका दाना पानी चेंज। आओ ये लो खाओ। तो हमने इसका दाना भी इसमें डाल दिया है, इसमें कुछ भी नहीं है, वो रहा खाओ। इसके अंदर भी हम जो है वो थोड़ा सा दाना डाल देते हैं,
हमने जो भाई इनको दाना पानी डाल दिया, अब हम डालेंगे अपने बजीज को दाना। फिर मैं बजीज के लिए जो है ना वो इसके ऊपर कुंडली के ऊपर दाना डालता हूँ, ताकि जो है ये हमारे बजीज ऊपर से दाना खा लें और मुर्गा मुर्गी जो है ना बजीज को मारते हैं, तो इस वजह से मैं जो है यहाँ पे दाना डाल रहा हूँ इसके ऊपर। तो भाई आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोस को लाइक कर लें। मैं आपके लिए रोज़ाना ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहता हूँ और लाता रहूँगा, तो जल्दी जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।